लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोले, इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए पैसे के लिए। जो आप अपनी माँ बाप को जेल के अंदर भेजवा दिए, आप एक कहने के ऐसे बेटी है ऐसे बेटी है, उन सब के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो बहुत अच्छा, गलत किए तो भाई गलत किए, गलत का परिणाम भोग रहे हैं। हम लोग से कहीं ज्यादा देखते हैं कि दूसरे के घर में होता है, दिन रात होते रहता है, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं होता है। हम लोग के साथ जब जैसे होता है तब हम लोग डालते हैं वीडियो, रियलिटी डालते हैं। सोचते हैं कि ये लोग जो है नौटंकी करके डालते हैं, हम लोग बट जो हम लोग के साथ जो भी होता है दिन भर में सो वो लोग हम लोग करते हैं और डालते हैं वीडियो और उसी तरह का रील्स। अभी जो बोल रहे हैं कि जो इस तरह का बात बोल रहे हैं कि अपने आप को सिलेंडर का किए कि इस तरह का ठुमका लगा रहे थे, तो मिठाई क्यों बांट के गए थे वो? उनको ये मतलब खुशी हुआ कि यहाँ हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ तो उनको आप ही बात बदल रहे हैं कि वो बेटी जो वीडियो बनाती है इस बहाने से वो अपने आप को सिलेंडर किए। अच्छा, हमारे साथ देख सकते हैं मोनू जी और आरती जी, हमारे साथ वही मोनू जी आरती जी जो कि एक समय था बिहार में बल्कि पूरा भारत में ट्रेंडिंग में रहते थे कि आरती छोटू को मामला लेकर के हर कोई जानते थे कि जो छोटू का जो अपराधी था जो दोषी था वो 8 की 8 को सजा मिल चुका है। क्या 8 को 8 गिरफ्तार हो चुका है? क्या 8ों का 8 अंदर जा चुका है? ये हम जानेंगे आज मोनू जी से और आरती जी से। आप देख सकते हैं ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और हर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं कि शिवनंदन भारती जो कि बहुत ही वरिष्ठ वकील है जो कि पटना के हाई कोर्ट का वकील है, उनका भी बयान आया है कि आरती का जो पिताजी और उसका जो भाई है सभी कहीं ना कहीं अपना मर्जी से सलाखों के अंदर गया है। यही बात पे हम विषय में बात करेंगे मोनू जी और आरती जी से। सबसे पहले हम तक न्यूज में स्वागत है मोनू जी। धन्यवाद आपको भी आरती जी। अच्छा मोनू जी, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो भाई का जो दोषी था जो कि आरती जी के यानी कि परिवार का लोग, वो सारा के सारा अंदर जा चुका है, उनके ऊपर कितने अंदर गया है, कितने अभी तक बाहर में घूम रहा है? अभी सब चला गया है, सबको उम्र कैद की सजा हो गया है, उम्र कैद हो चुका है। क्या ऐसा तो नहीं होगा जो दोनों जो उसका उम्र कैद हो गया है कि वो हाई कोर्ट में अपना कागज लगा करके वो फिर से बाहर आ जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है ना, जो फैसला सुना दिया जाता है वो बाहर नहीं आता है। अच्छा अच्छा, शिवनंदन जी का बयान आया है कि भारतीय वरिष्ठ वकील है जो हाईकोर्ट का वकील है, वो कहते हैं कि आरती का पिता यानी कि छोटू का जो दोषी है 8ों के 8 अपना मर्जी से सलाखों के अंदर गया है, वो बाहर में कहने के उसका बेटी वीडियो बनाती थी इसलिए वो शर्म के मारे अंदर चला गया। ऐसे मतलब पैसा के लिए, ऐसे पैसा के लिए वो जो है ना झूठ बोलते हैं, ठीक है, उनका पैसा है झूठ बोलना। अच्छा हाँ, वही चंद पैसे के लिए हम लोग को जो है गलत सलत बनाते हैं और जो अपराधी है उनको सच बनाते हैं। अच्छा, आपका भाई का जो अपराध जो दोषी था वो सब के सब अंदर चले गए, आप कितना खुश हैं? हाँ, हमें बहुत खुशी मिली। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे बिहार में ऐसे अनेकों केस पड़े हैं कि बहुत सारे केस पेंडिंग में है जो कि अभी तक उनको सजा नहीं मिला है, लेकिन आपके भाई के मामले बहुत जल्दी कहीं ना कहीं आप कामयाब अपने आप को पा लिए, सबको सलाखों के अंदर कर दिए, इसमें कहीं ना कहीं इतना जल्दी कैसे हो पाया? देखिए जल्दी मतलब हम लोग केस में लगे रहे, ठीक है, एक दिन भी हम लोग सोच रहे थे कि मेरा भाई का कब, जितना भी हत्यारा है कब अंदर जाएगा। हम लोग दिन रात जो है मम्मी रोती थी, है ना, घर में सब रोते थे कि कब मतलब वो लोग जाएंगे अंदर, तो भगवान की कृपा से वो लोग चले गए, हम लोग लगे रहे तब हुआ। अब ये नहीं कि हम केस को छोड़ देते, हाँ हमारे जितना भी पब्लिक लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन फिलहाल तो अभी गलत सलत बोलते हैं हम लोग को, वो तो समय के अनुसार जो भी होता है सो बोलते हैं, है ना। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इन मतलब मामले में सबसे बड़ा जो है कि आपकी गवाह के तौर पे आरती जी भी होंगे क्योंकि इसके सामने सब चीज हुआ था। क्या आरती जी आपका भी बयान लिया गया कोर्ट में? जी, वहाँ पर आप क्या बताए? जो हुआ सारा बात बता दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं ना कहीं अभी जो है आपके हिसाब से और कोर्ट के हिसाब से आप एक सच्चाई के साथ दिए हैं क्योंकि जो दोषी था उनको अंदर कर दिए हैं। क्या आप लोगों का जो मन में था कि जो कि छोटू का जो अपराधी है जो छोटू का कहने के दोषी उनको सलाखों के अंदर करना है तो आप कर दिए, कितना खुशी से कर दिए? अच्छा, अब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि जो आप अपनी माँ बाप को जेल के अंदर भेजवा दिए, आप एक कहने के ऐसे बेटी है ऐसे बेटी है, उन सब के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? गलत करेंगे तो हम उनका साथ देंगे तो बहुत अच्छा, गलत किए तो भाई गलत किए, गलत का परिणाम भोग रहे हैं। जो इस तरह का बात बोलते हैं ना, फिलहाल जो है उनके साथ इस तरह का घटना हुआ नहीं है, जो इस तरह का गलत बोलता है उनके बेटे के साथ होता है ना, फिर उनको पता चलता है कि मतलब ये क्या होता है और कैसे होता है, एक बेटी अपने बाप को क्यों सजा दिलाई, तब उनको समझ में आता, ठीक है जी।
अच्छा शिवनंदन भारती आपके बारे में बता रहे हैं, आरती जी हम आपसे सवाल करेंगे, आपके बारे में बता रहे हैं कि वो रील वीडियो बनाती है, नाचती है, ये करती वो करती, इसलिए उसके पिताजी उसके भाई लोग जेल के सलाखों अपना मर्जी से अपने स्वेच्छा से गए हैं, नहीं उन पर कोई कार्रवाई नहीं उसके तरफ से कोई ऐसा आया, अपना मर्जी से गया, क्या वो अपना मर्जी से गया आपके पिताजी आपके भाई लोग? अपने मर्जी से जाता तो आज 2 साल से घर में क्यों डाल रहते हैं, अपने मर्जी से पहले ही चल जाते, इतना दिन क्यों घर में रहे? वो तो ऐसे ही बोलते हैं कि वीडियो बनाते हैं, तो वो अपना झूठ को सच बात को झूठ क्यों बना रहे हैं? अपना भी तो पैसा करने के लिए ना, ऐसे करने पैसा कमाने के लिए ना। और वो जो वकील बोलते हैं ना कि मतलब डांस करते हैं, रील्स बनाते हैं, देखिए जो जिसका जो कैटेगरी है वो अपना करते हैं, हमारा ब्लॉग बना छोड़ दे तो ना समझेंगे कि हाँ वो अच्छे इंसान है, वो कहा है झूठ बात को ऐसे सच बात को छुपाने के लिए पैसा के लिए ऐसे कुछ भी बोलने लगते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलने लगते हैं, वो उनके साथ ऐसा नहीं होता है, कोई मारता तब उनको पता चलता ना कि क्या होता है, उनका तो बेटा गए नहीं है, अपने तो बैठ के जज पे कुर्सी पे अपने आप को बहुत जज समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मनु जी सबसे बड़ी बात है कि आप जो वकील किए होंगे, सबसे बड़ी धन्यवाद उस वकील को देना चाहेंगे जो कहने की आपका आपका भाई के जो दोषी था उनको सलाखों के अंदर दिए, क्या आपका वकील कौन सा किए थे जो आपका वकील आपका काम किए हैं? जी हम लोग को तो पता नहीं है, पप्पा जी जाते थे जो भी करते थे पप्पे जी ही करते थे, बाकी देखिए एक वकील से नहीं सबका सपोर्ट मिला है हमको, जज साहब वकील साहब और जितना हमारे पब्लिक लोग हैं सबका सपोर्ट मिला तब जाके हम जीत पाए, नहीं तो हम गरीब आदमी क्या कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा सबसे बड़ी बात है कि मनु जी अभी जो है घर पे भी रहते हैं और वीडियो भी बनाते हैं और आरती जी भी साथ में बनाते हैं, और कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया पे आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ट्रेंडिंग में रहते हैं, हमेशा आप लोगों का हर कोई वीडियो पसंद करते हैं, पब्लिक लोग का सपोर्ट है, प्यार दुलार ढेर सारा दे रहे हैं, है ना जी। अच्छा आरती जी कुछ इस बीच का मैटर में हम आएंगे, कुछ इस बीच में आप लोगों को कुछ अपने बीच में विवाद, पति पत्नी के बीच में लड़ाई, पारिवारिक मैटर है, इस पे बात करना नहीं। अच्छा क्या आपको, एक मिनट, आपको नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है, होता है ना जी। तो हम लोग का एक कैटेगरी है ब्लॉग, जो सुख दुख के लिए जो बनाए हैं ब्लॉग, तो उस पे थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। नहीं मनु जी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर पारिवारिक मैटर होते हैं तो सोशल मीडिया पर आप लोग बोले हैं तो हमारा जाहिर सी बात आपका जो है ना हम लोग इसलिए पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे माँ बहन है इस सवाल को लेकर के कोई ना बात करते हैं, तो इसलिए हम आपसे पूछना चाहेंगे। हाँ हम लोग से कहीं ज्यादा देखते हैं कि दूसरे के घर में होता है, दिन रात होते रहता है, लेकिन हम लोग उस तरह नहीं होता है, हम लोग के साथ जब जैसे होता तब हम लोग डालते हैं वीडियो, रियलिटी डालते हैं, सोचते हैं कि ये लोग जो है नौटंगी करके डालते हैं, बट जो हम लोग के साथ जो भी होता है दिन भर में सो वो हम लोग करते हैं और डालते हैं वीडियो और उसी तरह का रील्स बनाते हैं। अच्छा एक सवाल है कि आपके पिताजी बहुत बड़े बड़े देखते थे, दाढ़ी बढ़ा लिए थे, बहुत बड़ा बड़ा दाढ़ी बढ़ा लिए थे, लेकिन अब के समय में देखा जा रहा है कि दाढ़ी कटा लिए, उसके पीछे रीजन क्या था? रीजन यही था, देखिए उनका बेटा गया था, सब दिन भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि मेरा बेटा का जितना भी हत्यारा है वो लोग को सजा मिले तब जाके हम वो कटाएंगे, तो गुरु महाराज उनका सुन लिए और वो सजा हो गया और अपना दाढ़ी कटा लिए। अच्छा सुनने में एक चीज़ और आया है कि जिस दिन वो लोगों को आपको लोगों का जो फैसला कर दे जिस दिन वो आप कोर्ट में, उस दिन कहने के दोषी जो था वो लोग मिठाई बांटे थे आपस में पूरा गांव में मोहल्ला। देखिए वो लोग का मैटर है, वो लोग को क्या चीज़ का खुशी मिला नहीं मिला वो लोग ना जाने, हम लोग तो देखने के लिए तो नहीं गए जी, है ना। चलिए कुछ कहिएगा आरती जी अपने ऑडियंस को देखने वाले क्लास में। जब वो अभी जो बोल रहे हैं कि जो इस तरह का बात बोल रहे हैं कि अपने आप को सिलेंडर का किए कि इस तरह का ठुमका लगा रहे थे, तो मिठाई क्यों बांट के गए थे वो? उनको ये मतलब खुशी हुआ कि यहाँ हो जाएंगे। अच्छा हाँ, तो उनको अभी बात बदल रहे हैं कि वो बेटी जो वीडियो बनाती है इस बहाने से वो अपने आप को सिलेंडर किए हैं। अच्छा वो तो आप मतलब दोषी लोग तो नहीं बोले हैं कि उसके अंदर गए, लेकिन वो तो वकील साहब बोला है जो कि कौन बोले हैं? वकील साहब कौन बोले? वही सब बोले, अपराधी लोग ही बोले हैं ना, तब ना वकील बोले। अब बाकी पैसे के लिए तो वो कुछ भी बोल सकता है, लगा बजा के भी बोल सकते हैं कि हाँ फलना है, मान लीजिए हम आपके पक्ष में रहेंगे तो कुछ भी बोल सकते हैं आपके तरफ से, हम उसी तरह वकील साहब भी बोल रहे हैं, है ना जी, जी। क्योंकि उनको झूठ बोलने का पैसा मिलता है। अच्छा आरती जी जो वकील जो शिवनंदन भारती आपके बारे में जो बोले हैं, उनके लिए आपके तरफ से क्या संदेश, उनको आप क्या कहना चाहिए? मेरे लिए उनके तरफ से कुछ भी संदेश नहीं है, बस अपना अपना जगह सब सही है, सब सही है, वो भी करते हैं तो अपना पैसे के लिए करते हैं, कुछ भी करते हैं, और हम लोग भी रील्स बनाते हैं, लेकिन इतना भी नहीं गिरना चाहिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई बोले, इतना हद तक नहीं गिरना चाहिए पैसे के लिए। अच्छा इसके बोलने के पीछे रीजन क्या हो सकता है, क्योंकि मान के चलिए जो आपके ऊपर आरोप लगा रहे इस प्रकार से डांस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, डांस तो पूरा दुनिया कर, एक मिनट, डांस तो पूरा दुनिया करते हैं, तो वो लोग के ऊपर कौन सा आरोप लग रहा है? अभी सपोज में देखिए आप लोग का काम है
मतलब लोगों को न्यूज तक न्यूज देना, ठीक है। आपके टीम में लड़की भी काम करते हैं जी। क्या वो गलत हो गए हैं? नहीं, एक अपना घर छोड़ के आए हैं और मतलब किसी से बैठ ले गए, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो गलत हो गया। हम लोग के जो काम है रील्स बनाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, वो गलत हो गया। हर एक का जो है ना अपना अपना काम, सबका अपने जगह अच्छा है ना, तो फिर वो लोग हाँ क्यों नहीं उठाता है? सही बात है। देखा जाए तो आजकल 80-80 साल के बूढ़ी महिला जो है वो भी डांस करने लगे हैं, वो भी वीडियो बनाने लगे। आदमी उनको क्या बोलेंगे, इनको खाने के लिए नहीं देते हैं जी। ये नहीं सोचते हैं कि मजबूरी क्या होगा नहीं होगा, ये नहीं देखते हैं। गलत सवाल सिर्फ उठाएंगे लोग सब जो भी है ना। चलिए लास्ट मनु जी, अपना ऑडियंस जाते क्या बोलिएगा? हम यही कहेंगे कि जाते जाते दोस्तों आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। बाकी अब गलत सलत कमेंट तो जो कर वही लोग करते हैं जिनके साथ कभी भी कोई चीज़ का परेशानी नहीं हुआ है, और हम लोग जो परेशानी से गुजरे हैं वो नहीं गुजरे हैं। बाकी जो गुजरे हैं हमें बहुत सपोर्ट करते हैं जी, अभी भी सपोर्ट करते हैं। चलिए क्या कहिएगा आरती जी लास्ट में? हम भी यही बात बोलेंगे कि जितने भाई सब देख रहे हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट दीजिए, और गलत हम तो दुनिया की नज़रिया को नहीं बदल सकते हैं, बाकी आप लोग की राय। चलिए बाकी आप देख रहे थे कि हमारे साथ मनु जी और आरती जी है जो कहीं ना कहीं आज जो है अच्छा जिसमें आपका जो लास्ट में सवाल पूछेंगे बहुत सारे ये लगते हैं कि कितना छोटू के मामले में कितना दोषी है, कितना दोषी था, कितना सजा मिला? सब लोग दोषी है, सबको सजा मिल चुका है जी, सजा सबके सब अंदर है जी, कोई बाहर नहीं बचे आप, कोई नहीं। चलिए बाकी आप देख रहे थे मनु जी और आरती जी है जो कि कहीं ना कहीं सारा वो चीज़ बताए जो कहीं ना कहीं जो छोटू के मामले में दोषी था, जो सारे के मामले में जो सबको कहीं ना कहीं सलाखों के अंदर चला गया है, कोई भी नहीं बचा है। और आज जो जज फैसला कर दिए जज साहब से तरफ से कोर्ट से फैसला मिल चुका है, सबके सब अंदर जा चुका है। बाकी आप लोग देख रहे थे आरती जी के घर से, बाकी आप देख रहे थे हम तक न्यूज़, हम तक एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।